नमस्कार, मैं शिवानी, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 13 अगस्त। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के इन 7 पुलिस अधिकारियों को गृह मंत्रालय करेगी सम्मानित। बिहार के सरकारी स्कूलों में बढ़ेगी निजी संस्थाओं की भागीदारी। फ्लोर टेस्ट से पहले तेजस्वी यादव ने सोनिया गांधी से की मुलाकात। केवीसी के हॉट सीट पर पहुंची बिहार की बहू। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में बुमराह बने हीरो। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इंडियन कोस्ट गार्ड ने विभिन्न पदों पर निकाली भर्तियां। इंडियन कोस्ट गार्ड ने असिस्टेंट कमांडेंट के विभिन्न ब्रांच में कुल मिलाकर 71 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इन पदों के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को संबंधित ब्रांच से संबंधित डिसिप्लिन में 10+2 या डिप्लोमा या बैचलर डिग्री पास होना जरूरी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 7 सितंबर 2022 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindiancoastguard.gov.in पर जाकर जरूर चेक करें। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे सुशांत सिन्हा की। बिहार की धरती पर जन्म लिए अनेकों हस्तियों ने अपने टैलेंट और प्रतिभा के बदौलत देश और विदेशों में बिहार का नाम रोशन किया है। उन्हीं में से एक हैं बिहार के सुशांत सिन्हा। पत्रकारिता जगत में किसी भी मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बातों को रखने वाले सीनियर जर्नलिस्ट और न्यूज़ एंकर सुशांत सिन्हा का जन्म 2 अगस्त 1984 को बिहार के पटना जिले में हुआ था। इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा संत जेवियर हाई स्कूल पटना से पूरी की। वहीं इन्होंने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू से डिग्री प्राप्त की। सुशांत सिन्हा ने पत्रकारिता में अपने करियर की शुरुआत साल 2002 में जैन टीवी से की थी। इसके बाद उन्होंने कई बड़े बड़े न्यूज चैनल में काम किया, जिसमें इंडिया टीवी, एनडीटीवी, न्यूज एक्स या इंडिया न्यूज, न्यूज 24, लाइव इंडिया, जनमत जैसे न्यूज चैनल शामिल हैं। सुशांत सिन्हा फिलहाल टाइम्स नाउ नवभारत हिंदी न्यूज चैनल के प्राइम टाइम न्यूज की पाठशाला को होस्ट करते हैं। इस माह तक चालू हो जाएगा हवाई अड्डा कनेक्टिंग ब्रिज। दरभंगा हवाई अड्डा कनेक्टिंग ब्रिज को चालू करने की कवायद तेज कर दी गई है। दरअसल दरभंगा एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए कनेक्टिंग ब्रिज बनाया गया है, जिसे यात्रियों की सुविधा के लिए जल्द से जल्द शुरू करने की तैयारी चल रही है। प्रथम फेज का काम जल्द शुरू किए जाने की बात कही गई है। इसमें पुल के पूर्वी भाग से लेकर टर्मिनल तक शेड व गेट का निर्माण शामिल है। बताया गया है कि यह काम इस माह के अंत तक हो जाएगा। इसके बाद अगले माह सितंबर से यात्रियों को नए पुल से आवागमन की सुविधा मिल सकती है। अब प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की होगी सीधी बहाली। बिहार में अब प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की बहाली सीधे तौर पर की जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग सैद्धांतिक तौर पर तैयार है। वहीं इसके लिए शिक्षा विभाग बिहार के विश्वविद्यालयों से रिक्तियों के लिए तलब करने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक यह वह पद हैं जो पहले ही सृजित किए जा चुके हैं। 2 दशक से अधिक समय से यह खाली है। अभी तक इन पदों को प्रमोशन से भरा जाता है। बिहार में एसोसिएट प्रोफेसर पद पर नियुक्तियां 1978 के बाद से अब तक नहीं हुई हैं। एक अन्य जानकारी के मुताबिक बिहार के विश्वविद्यालयों में सीनियर प्रोफेसर पद का सृजन किया गया है। बता दें कि प्रदेश में शुरू से लेकर अब तक 10,840 पद सृजित किए गए हैं। राजद ने की नए प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी। बिहार में नई सरकार बनते ही राजद के नए प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी कर दी गई है। मालूम हो कि नीतीश कुमार द्वारा एनडीए से बाहर निकलने के बाद राजद ने अपने प्रवक्ताओं का पैनल भंग कर दिया था, लेकिन अब सरकार बनने के बाद राजद ने अपने प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी कर दी है। राजद ने कुल 8 प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी की है। इनमें भाई वीरेंद्र, शक्ति सिंह यादव, मोहम्मद एजाज अहमद, श्रीमती इजिया यादव, ऋतु जायसवाल, ऋषि मिश्रा, चितरंजन गगन और सतीश कुमार दास शामिल हैं। वहीं राजद ने पिछले कई साल से प्रवक्ता रहे मृत्युंजय तिवारी को इस लिस्ट से बाहर कर दिया है। कश्मीर में निशाना बने बिहारी मजदूर के लिए पीड़ित परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान। एक बार फिर जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने बिहारी को निशाना बनाया है और एक 19 साल के मासूम की जान ले ली है। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस खबर पर शोक व्यक्त की है और पीड़ित परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकियों द्वारा बिहार के मोहम्मद अमरेज की गोली मारकर हत्या की घटना दुखद है। मृतक के निकटतम आश्रित को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। श्रम संसाधन विभाग एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से नियमानुसार अन्य लाभ दिलाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही दिल्ली में बिहार के स्थानिक आयुक्त को मृतक के पार्थिव शरीर को पैतृक गांव पहुंचाने हेतु समुचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है।
पाटली के पेड़ पर राखी बांधकर सीएम ने दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। साल 2012 से ही रक्षाबंधन के अवसर पर सरकार की ओर से बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन पटना की राजधानी वाटिका में पाटली के वृक्ष में राखी बांधकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान सीएम ने लोगों को पौधारोपण और वृक्षों की रक्षा पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। सीएम ने बताया कि झारखंड राज्य बंटवारे के बाद बिहार की हरियाली 9% से बढ़कर 15% हो गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षाबंधन के अवसर पर बहन की सुरक्षा की बात तो सभी लोग करते ही हैं। हम लोगों ने कहा कि वृक्ष की सुरक्षा के लिए भी कुछ होना चाहिए और इस कार्यक्रम की शुरुआत बिहार में कराई गई। सभी जगहों पर कार्यक्रम हो रहे हैं और पेड़ की सुरक्षा की जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन के पावन अवसर पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहनों से राखी बंधवाई। बिहार के इन 7 पुलिस अधिकारियों को गृह मंत्रालय करेगी सम्मानित। बिहार में वैसे पुलिस अधिकारी जिन्होंने जांच में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है उन्हें गृह मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया जाएगा। ऐसे में बिहार के 7 पुलिस अधिकारियों का केंद्रीय गृह मंत्री के पदक के लिए चयन किया गया है। बिहार के 7 पुलिस पदाधिकारियों में 2 SP और 5 अन्य अधिकारी शामिल हैं। देश भर में कुल 151 पुलिस अधिकारियों का चयन इस पदक के लिए किया गया है। बिहार के 7 पुलिस पदाधिकारियों में SP साइली सावला राम धूरत, SP विनय तिवारी, इंस्पेक्टर रामशंकर सिंह, इंस्पेक्टर विनय प्रकाश, SI मनोज कुमार राय, SI मोहम्मद चांद परवेज और SI मोहम्मद गुलाम मुस्तफा शामिल हैं। 14 अगस्त को NDRF की तरफ से किया जाएगा बोट रैली। आज़ादी के 75 साल पूरा होने पर देश में चल रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव में हर कोई अपनी भूमिका निभाने के लिए आगे आ रहा है। इसी कड़ी में राजधानी पटना में NDRF मुख्यालय की तरफ से बाइक तिरंगा रैली निकाली गई। बाइक तिरंगा रैली को कमांडेंट सुनील कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बेहटा के सिकंदरपुर स्थित 9वें बटालियन NDRF मुख्यालय की तरफ से बाइक तिरंगा रैली का आयोजन किया गया था। वहीं कमांडेंट सुनील कुमार सिंह ने बताया कि आगामी 14 अगस्त को शाम को पटना के गंगा घाट पर 75 बोटों के साथ आजादी के अमृत महोत्सव के तहत गंगा में बोट रैली का आयोजन किया जाएगा। फ्लोर टेस्ट से पहले तेजस्वी यादव ने सोनिया गांधी से की मुलाकात। बिहार में बनी नई महागठबंधन की सरकार का फ्लोर टेस्ट यानी बहुमत परीक्षण 24 अगस्त को होगा। इससे पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। वहीं फ्लोर टेस्ट और आगामी योजना को लेकर बीते दिन दोनों पार्टियों की प्रमुख बैठक भी हुई। दरअसल खबर के अनुसार कांग्रेस ने महागठबंधन सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव सोनिया गांधी को महागठबंधन सरकार को समर्थन देने के लिए उनका आभार जताने गए थे। इससे पहले लेफ्ट के नेता सीताराम येचुरी और डी राजा ने तेजस्वी यादव से बिहार भवन में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने उन्हें बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए बधाई भी दी। STET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन। STET के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। बीते दिन एक बार फिर से STET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। दरअसल ये सभी अभ्यर्थी राजभवन मार्च पर निकले थे लेकिन पुलिस ने इन्हें रास्ते में ही रोक लिया। इसके बाद ये सभी सड़कों पर प्रदर्शन करने लगे। वहीं सरकार से जल्द शिक्षक के नियोजन करने की मांग की। मालूम हो कि STET का आयोजन 8 साल बाद हुआ है जिसके लिए नोटिफिकेशन 2019 में जारी किया गया था। जनवरी 2020 में परीक्षा आयोजित की गई थी जिसमें फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद उसे रद्द कर दिया गया। वहीं सितंबर 2020 में इसका दोबारा ऑनलाइन मोड में परीक्षाएं आयोजित करवाई गई थी। KBC के हॉट सीट पर पहुंची बिहार की बहू। बिहार के समस्तीपुर की बहू श्रुति डागा सोनी सेट मैक्स पर प्रसारित कौन बनेगा करोड़पति टीवी शो में पहुंची और हॉट सीट पर बैठकर कौन बनेगा करोड़पति टीवी शो में 50 लाख रुपए की राशि भी जीती हैं। उन्होंने 75 लाख के प्रश्न का भी सामना किया। श्रुति डागा फिलहाल कोलकाता में रहती हैं, वहां सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। उनके पति डॉक्टर सुमित खटोर कोलकाता में ही चिकित्सक हैं तथा कोलकाता मेडिकल कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं। पटोरी की बहू की इस सफलता के बाद पटोरी के लोगों में हर्ष है। लोगों ने उन्हें बधाई भी दी है। इससे पहले मोतिहारी के सुशील कुमार ने तो 5 करोड़ रुपए जीत कर एक रिकॉर्ड बना दिया था। संबित पात्रा ने 10 लाख जॉब के वादे पर डिप्टी CM तेजस्वी यादव को घेरा। बिहार में 10 लाख नौकरियों पर तेजस्वी यादव के जवाब के बाद से वो लगातार BJP के निशाने पर हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस वार्ता पर तेजस्वी को आरे हाथ लिया है। संबित पात्रा ने कहा कि तेजस्वी यादव ने 2020 में कहा था कि हम आएंगे तो 10 लाख नौकरी देंगे। जब उनसे पूछा गया कि अब आप आ गए हैं तो 10 लाख नौकरी का क्या होगा तो तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आते हैं कि अभी तो हम मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, मैंने कहा था कि जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे तब नौकरी देंगे। पात्रा ने कहा कि बिहार में जंगल राज दोबारा आ गया है।
बिहार के सरकारी स्कूलों में बढ़ेगी निजी संस्थाओं की भागीदारी। बिहार के लगभग 80,000 सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक सुधार और उसकी बेहतरी के लिए अब निजी एजेंसियां या संस्थाओं की भागीदारी को बढ़ाया जाएगा। बता दें कि अभी दर्जन से ज्यादा स्वयंसेवी संस्थाओं को बच्चों की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई का अध्ययन सर्वेक्षण की जिम्मेदारी दी गई है। पिछले हफ्ते ही शिक्षा विभाग ने स्वयंसेवी संस्थाओं की बैठक में यह निर्देश दिया था कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सुनिश्चित कराने के लिए रोड मैप बनाने में आवश्यक सुझाव देना सुनिश्चित करें ताकि शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार किया जा सके। 17 अगस्त को एपेक्स गाइडिंग ग्रुप की बैठक में रोड मैप पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। लालू से मिलने दिल्ली पहुंचे मदन मोहन झा। बिहार में नई सरकार के मंत्रिमंडल का गठन होना है। मंत्रिमंडल के विस्तार पर गहमा गहमी तेज है। कांग्रेस भी महागठबंधन में है। चर्चा है कि कांग्रेस के भी विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा। इसको लेकर कांग्रेस के नेता लगातार आलाकमान के संपर्क में है। इसी क्रम में बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा दिल्ली पहुंचे। एयरपोर्ट पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मंत्रिपरिषद का विस्तार होना है, उसकी चर्चा आलाकमान से करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि महागठबंधन में मंत्री पद को लेकर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस की तरफ से 4 मंत्री पद को लेकर अभी संशय बरकरार है। इस्कॉन मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। बिहार की राजधानी पटना में करीब 100 करोड़ की लागत से बने इस्कॉन मंदिर में आपको देखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा जो आपको आकर्षित करेगा। इसी साल मई के महीने में इस मंदिर में श्री राधा बाके बिहारी जी की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस मंदिर में 84 कमरे और 84 पिलर बनाए गए हैं। पटना के बुद्ध मार्ग पर स्थित इस मंदिर में राजस्थान से लाए गए मकराना का संगमरमर लगा है। 2 एकड़ क्षेत्र में फैले इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 108 फीट है। सबसे महत्वपूर्ण दिया है कि यहाँ श्री राधा बाके बिहारी जी की संध्या आरती आपको आकर्षित करेगी। श्री राधा बाके बिहारी जी की स्थापित मूर्तियां भी काफी मनमोहक बनाई गई हैं। यह बिहार का नया पर्यटक स्थल के तौर पर बनकर उभरा है जहां देश विदेश से लोग पहुंच रहे हैं। गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के बाद कहा था कि 2014 वाले 2024 में नहीं रहेंगे। वहीं नीतीश कुमार ने भी एक सवाल के जवाब में कहा था कि 14 वाले 24 में रहेंगे तब ना। इसी बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि 14 वाले 29 तक रहेंगे। दरअसल राज्यभर में जनादेश से विश्वासघात के विरोध में धरना प्रदर्शन करते हुए बीजेपी नेताओं में शामिल गिरिराज सिंह ने कहा कि बीजेपी के साथ रहकर वह पीएम नहीं बन सकते थे क्योंकि बीजेपी के पास पीएम पहले से ही है और आगे भी नरेंद्र मोदी ही बीजेपी और पीएम का चेहरा रहेंगे। कान खोलकर सुन लीजिए, 14 वाले 24 और 29 में भी पीएम पद पर बने रहेंगे। इन जिलों के लिए आज वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी। आने वाले कुछ दिनों में मध्य भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। इसी बीच अगले 2 से 3 दिनों के दौरान बिहार में कम बारिश की गतिविधि जारी रहने की संभावना है। मॉनसून ट्रफ सक्रिय है और अपनी सामान्य स्थिति के दक्षिण में स्थित है। अगले कुछ दिनों में इसके सक्रिय होने और अपनी सामान्य स्थिति के आसपास आने की संभावना है। IMD ने अपने मौसम बुलेटिन में कहा है कि 13 तारीख को बिहार के दक्षिणी भाग के जिलों में अलग अलग जगहों पर गरज चमक के साथ वर्षा होने की संभावना है, जिसमें बक्सर, भोजपुर, पटना, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, नवादा, कैमूर, रोहतास, अरवल, औरंगाबाद और गया जिला शामिल है। बिहार में RJD बनी बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी। RJD बिहार में सदस्यता के मामले में बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। RJD ने कुल 1.06 करोड़ सदस्य बना लिए हैं, जिनमें से 98 लाख से ज़्यादा सदस्य सिर्फ बिहार से हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने सदस्यों की संख्या 1,05,97,009 कर ली है। इसमें सिर्फ बिहार से ही उसके सदस्यों की संख्या 98 लाख से ज़्यादा है। इसके अलावा झारखंड और अन्य राज्यों में उसके 7 लाख से अधिक सदस्य हैं। इसके साथ ही RJD सदस्यों के मामले में बिहार में बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। बीजेपी के 1.24 करोड़ जबकि जदयू के 37 लाख सदस्य हैं। पटना में पिट गई आमिर की लाल सी चड्डा। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्डा का बिहार में क्या हाल रहा, फिल्म ने कितनी कमाई की, ये सब जानना चाहते हैं। बता दें कि भोजपुरी फिल्मों की अदाकारा अक्षरा सिंह ने इस फिल्म की रिलीज से कुछ ही दिन पहले आमिर खान का एक इंटरव्यू किया था। इसी दौरान अक्षरा सिंह ने कहा था कि यह फिल्म पटना में शानदार परफॉर्म करेगी। 2 दिनों में पटना के सिनेमाघरों में लाल सिंह चड्डा का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है। फिल्म के शुरुआती शो में सीटें खाली रही हैं।
बीजेपी की बाजीगरी के खिलाफ 2024 आम चुनाव में विपक्ष को एकजुट करेंगे सीएम। बिहार में नई सरकार बनाने के बाद बिहार के विकास की चर्चा हो ना हो, एक बात की चर्चा जरूर हो रही है जो सत्ता में शामिल जदयू और या फिर राजद सभी कर रहे हैं, वो है 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा का सफाया कैसे करना है। इसी कड़ी में बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि कोई कुछ भी कहता रहे पर हम प्रणाम करते हैं, हमारा काम है सबका काम करना, वो सब मेरे मन में नहीं है। हालांकि सीएम ने कहा कि मेरे लिए बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं, हम सबको एकजुट करना चाहते हैं, इसके अलावा हमारा कोई मकसद नहीं है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि पहले हम यहां का काम निपटाएंगे, फिर हम कहीं और जाएंगे। मेरे पास कई लोगों के फोन आ रहे हैं पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम पीएम बनना चाहते हैं। 2024 चुनाव के लिए हम बस विपक्ष को एकजुट करने का काम करेंगे। 300 नलकूप और हुए चालू, 10,000 हेक्टेयर में पहुंचा पानी। प्रदेश में 300 नए नलकूप चालू होने के बाद कई इलाकों में किसानों को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि सूखे की मौजूदा स्थिति में कई इलाके अब भी पानी के लिए तरस रहे हैं। नए नलकूपों के चालू होने से 10,000 हेक्टेयर नए क्षेत्र में खेतों पर पानी पहुंच चुका है। राज्य सरकार फिलहाल 3,000 और नलकूपों को चालू करने की योजना में जुटी है। इसके चालू होने के बाद लगभग 1,00,000 हेक्टेयर नए क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इस समय सूबे में कुल 10,240 नलकूप हैं। दरभंगा अजमेर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन की परिचालन अवधि बढ़ी, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। मिथिला वासियों द्वारा लगातार मांग के बाद पिछले महीने 20 जुलाई से शुरू की गई दरभंगा अजमेर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन अब 6 अक्टूबर तक यात्री सेवा मुहैया कराएगी। गौरतलब है कि दरभंगा से सीतामढ़ी, बैरगनिया, रक्सौल, नरकटियागंज, गोरखपुर, आगरा, मथुरा, जयपुर, कोटा और अजमेर जाने वाले यात्रियों को इस ट्रेन से यात्रा में सुगमता का एहसास हो रहा है। इस रूट की यह एकमात्र ट्रेन है जो मिथिला वासियों को उक्त स्थलों पर सीधे पहुंचाती है। हालांकि पहले चरण में इस ट्रेन को 20 जुलाई से 11 अगस्त तक ही चलाए जाने की योजना थी, लेकिन यात्रियों की जरूरत को देखते हुए इसकी अवधि 6 अक्टूबर तक कर दी गई है। वहीं यात्रियों की जरूरत को देखते हुए विभाग इसे रेगुलर करने का फैसला भी ले सकती है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत में प्रशासनिक सुधारों के लिए पिट्स इंडिया विधेयक ब्रिटिश संसद में 1784 को पेश हुआ। विश्व की प्रमुख इस्पात कंपनी टाटा स्टील ने 2008 में वियतनाम में संयुक्त रूप से इस्पात परिसर के निर्माण के लिए वहां की दो प्रमुख कंपनियों के साथ समझौता किया। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर चक्रवर्ती संगराजन को 2008 में राज्यसभा के लिए नामित किया गया। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी नरेंद्र मोहन सेन का जन्म 1887 को हुआ था। भारतीय सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री वैजयंती माला का जन्म 13 अगस्त 1936 को हुआ था। भारतीय अभिनेता निर्माता सुनील शेट्टी का जन्म 1961 को हुआ था। भारतीय अभिनेत्री श्रीदेवी का जन्म 1963 को हुआ था। भारत की वीरांगना अहिल्याबाई होलकर का निधन 1795 को हुआ था। आधुनिक नर्सिंग आंदोलन की जन्मदाता फ्लोरेंस नाइटिंगल का निधन 1910 को हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय महिला क्रांतिकारी भिकाजी कामा का निधन 1936 को हुआ था और आज ही के दिन अंगदान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में बुमराह बने हीरो। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 में भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने झंडा गाड़ दिया है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 में भारत के स्टार गेंदबाज बुमराह अभी 45 विकेटों के साथ पहले स्थान पर मौजूद हैं। वहीं उनके बाद पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने 41 विकेट अपने नाम किए। इंग्लैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन इस सूची में 40 विकेट के साथ तीसरे स्थान पर मौजूद हैं। वहीं चौथे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के फिरकी गेंदबाज नाथन लॉय 39 विकेट के साथ मौजूद हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस 35 विकेट के साथ पांचवें स्थान पर मौजूद है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है स्निशा, सूरज कुमारी यदुवंशी, छोटी कुमारी, मोनू कुमारी, रितेश कुमार, अनीता कुमारी, हरे राम कुमार, रवि कुमार, जितेंद्र रविदास, तुलसी रविदास, गंगाधर यादव, मोहन कुमार, शिव शक्ति, मोहम्मद नौशाद और करण सिंह मेहरा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि बिहार में किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार को क्या क्या ठोस कदम उठाने चाहिए। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।